पूरी दुल्हन हमारे सामने बैठी है। भगवती जी हमारे पास एक तो ऑडियो है, हम खुद नहीं बन जाते हैं ना। भाभी जी इसे ऑडियो नहीं आइडिया कहते हैं। सही पकड़े हैं। तू बिगाड़ देगी सब, भाभी जी आप ही कर लीजिए। अच्छा छोड़ो अब मैं ही बन जाती हूँ भूतनी। सर तू तो लगती भी भूतनी है। भाभी के घर में भूत है? भूत भूत का है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे यार आप आया ही ना आइए ना। घर तो बहुत बढ़िया है, आप क्या क्या कहना? हाँ ठीक ही है। क्या खाक अच्छा है, जब से आया हो तब से मनहूसी अच्छा ही हुई है। क्या बोलूं मैं, आया तब से नौकरी भी चली गई। देखिए तो कब से नल्ले बैठे हैं। कुछ अच्छा बनिया कई बार, और तो और रोज घर में मियां बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। वो बात भी बता दे मनमुति जी। बता दीजिए। घर में ना कोई दुल्हन का सारा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी आगे चलो चलो। कौन अभी? कुड़ी में ना अभी। चलो चलो चलो। जल्दी चलो चलो। दुल्हन बनने बोला था, ये क्या बनकर आई है? विभु, मेरा लहंगा नहीं मिल रहा है। अगर अनीता वहां पर है तो यहाँ कौन है? आपका आशिक है ना आपके साथ? आप क्या बोले? कुछ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। कैसी हो अनु? हेलो अम्मा जी, अम्मा जी घर पे भूत आया है, आप कैसे भी करके कानपुर आ जाओ, घर पे सब डरे हुए हैं। कैसे भी आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ या फ्लाइट से भी आ जाओ, लेकिन आ जाओ अम्मा जी। हाँ
ये सब अब कैसे है? ठीक हो आप ये सब? हम भी ठीक है। अरे यार ये सब वो विभू की वजह से हुआ है। कब के बाद में हमारे कॉल में बात नहीं चिंता है नल्ला मुझे सब करना पड़ता है। अरे अम्मा जी इतनी हड़बड़ाने में कहाँ जा रही हो? भूत है। भूत भूत छोड़ो आओ जरा हमारे साथ कमर पकड़ो। कहाँ है भूत? घर पे भूत है। मैं आऊँ? नहीं आने दो ना। अरे वो मैंने जाकर बैल को बुलाकर लेकर आ। जा बैल सबको बुलाकर लेकर आ। जी हाँ। अरे ये बैल का बहुत डरपोक है नल्ले, तू ही बता क्या हुआ। मुझे क्या बताऊँ सर, बहुत ज्यादा डरा था। उसकी शक्ल क्या बोलूं, मतलब लाल टिक्का अजीब सी शक्ल, वो बड़ा टूट जाता था। तो ये है तुम्हारी सच्चाई, सब आ जाओ। Being lesbian is not a crime and it's not a sin. Stop using God for your own prejudice. Religion is about loving one another. You're just looking for an excuse to live. When you reduce life to black and white, you never see a rainbow. Dictionary rightly meant the word gay as happiness even before the hype. The society needs to be thoughtful and ripe. Keeping this kind of love limited to Skype? Come forward to the world and say it loud on the mic. Isn't love too beautiful to be not hidden in a closet? Be it any kind. Never ever apologize for who you love. Keep this in mind. For God's sake, you're lucky because one you could find. It works even if it's blind. At the end of the day, we all are humans. Come forward and love them tons. Love is love.